जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। पोको X6, पोको X6 Pro और पोको X6 Neo इन तीनों स्मार्टफोन्स के एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपके भाई के हाथ में लग गए हैं। इन तीनों स्मार्टफोन्स के बारे में आपको सब कुछ बताता हूँ इस वीडियो में। ये कब लॉन्च हो रहे हैं, इन तीनों स्मार्टफोन्स का क्या प्राइस होगा इंडिया में, सब कुछ एकदम डिटेल में जाने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं पोको X6 Neo से। पोको X6 Neo में आपको 6.67 इंचेस का एक फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होगा, 2160 हर्ट्ज का इंस्टेंट असेंबलिंग रेट होगा, 1920 हर्ट्ज का PWM-DC डिमिंग भी होगा, 10 बिट के कलर्स देखने को मिलेंगे, DCI-P3 कलर गैमेट होगा, 395 का PPI होगा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन होगा, बेजलर डिस्प्ले होगा, फ्लैट डिस्प्ले होगा, नॉर्मल से पंच होल के साथ थोड़ा सा चिन रहेगा। कैमरास की बात करें तो डुअल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग। किस्मत अच्छी रही तो 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल सकता है, 16 का सेल्फी मिल जाएगा, सारे के सारे ओमनी विजन के कैमरा सेंसर्स होंगे। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक डेमेसिटी 6080 देखने को मिल जाएगा, जो एक 6 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। TSMC इसको बनाया है, अच्छा प्रोसेसर है। माली G57 का GPU देखने को मिल जाएगा। मेन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, UFS 2.2 का शोई सपोर्ट, LPDDR4X RAM टाइप, 5000mAh बैटरी भी है, 33W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा और चार्जर बॉक्स में होगा, एंड्रॉयड 13 मिलेगा MIUI 14 के साथ, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी होंगे, IR ब्लास्टर भी होगा, Wi-Fi 5 होगा और ब्लूटूथ वर्जन 5.3 होगा और कोई भी VC लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी नहीं होगा। चलो पोको X6 के बारे में आपको सब कुछ बताता हूँ। पोको X6 में आपको 6.67 इंचेस का एक 1.5K रेजोल्यूशन वाला TCL का C7 OLED डिस्प्ले मिल जाएगा। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होगा, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, 1920 हर्ट्ज का PWM-DC डिमिंग, 12 बिट के कलर्स मिल जाएंगे, HDR 10 प्लस का सपोर्ट, DCI-P3 कलर गैमेट, 1800 नीट्स का पीक ब्राइटनेस, डॉल्बी विजन भी देखने को मिलेगा, 446 का PPI होगा और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का स्क्रीन प्रोटेक्शन होगा, बेजलर डिस्प्ले होगा, नॉर्मल से पंच होल के साथ थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा, फ्लैट डिस्प्ले होगा। अब देखो यार, ये जो डिस्प्ले स्पेक्स है इसमें कुछ कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं अगर पोको ने चाहा तो, लेकिन चांसेस बहुत कम है आपको यही डिस्प्ले स्पेक्स देखने को मिलेंगे। कैमरास की बात करें तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, 200 का वाइड एंगल कैमरा, 8 का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 का मैक्रो। जो प्राइमरी कैमरा है सैमसंग के HP3 कैमरा सेंसर पे होगा, OIS वहाँ पर मिल जाएगा, 16 का सेल्फी मिल जाएगा, 4K 30fps पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर लोगे। देखो यार, अगर किस्मत अच्छी नहीं रही तो 200 के कैमरा के जगह पे आपको कुछ और मिल सकता है, और सच कह रहा हूँ मेरे भाई, अगर पोको ने ऐसा कर दिया ना तो दिल टूट जाएगा मेरा। ये 200 रहना चाहिए, एक बहुत अच्छा सेलिंग पॉइंट क्रिएट कर सकता है पोको कि भैया देखो 200 का कैमरा हम दे रहे हैं। आई होप सो कि कैमरास वाले मॉड्यूल में कुछ कुछ चेंजेस ना करें, जो है जैसा है वैसे ही रहने दे, क्योंकि इससे पोको का ये वाला फ़ोन बहुत बिकेगा। खैर, परफॉर्मेंस की बात करते हैं। यहाँ पर आपको Qualcomm का नया प्रोसेसर मिलेगा, Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2। ये जो प्रोसेसर है 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। Adreno 710 का GPU मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है यार, कमाल का आपको परफॉर्मेंस देगा, 7 Gen 2 के आसपास का ये परफॉर्मेंस दे देता है, तो सोच सकते हो यार काफ़ी मज़ा आएगा आपको, बहुत अच्छे तरीके से गेमिंग करोगे और भाई आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी कटेगी। मेन स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, UFS 2.2 का शोई सपोर्ट, LPDDR4X RAM टाइप, 5100mAh बैटरी भी मिल जाएगा, 67W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा, एंड्रॉयड 13 मिलेगा MIUI 14 के साथ, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे, डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड होंगे तो साउंड क्वालिटी एक नंबर रहेगा, NFC भी है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है, Wi-Fi 6 देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा एयर ब्लास्टर और बहुत अच्छा X-axis liner मोटर भी देखने को मिल जाएगा, VC लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी होगा। पोको X6 Pro की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.67 इंचेस का एक 1.5K रेजोल्यूशन वाला OLED डिस्प्ले मिल जाएगा। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होगा, 480 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, 2160 हर्ट्ज का इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट, 1920 हर्ट्ज का PWM-DC डिमिंग, 12 बिट के कलर्स, HDR 10 प्लस का सपोर्ट और मेरे भाई 1800 नीट्स का पीक ब्राइटनेस मिलेगा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन होगा, 446 का PPI होगा, DCI-P3 कलर गैमेट, HDR विविड जी रियल सर्टिफिकेशन के साथ आएगा, बेजललेस डिस्प्ले होगा, थोड़ा सा बड़ा पंच होल देखने को मिलेगा, नीचे थोड़ा सा चिन होगा, फ्लैट डिस्प्ले होगा। चलो कैमरास की बात करते हैं, यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, 64 का वाइड एंगल कैमरा, 8 का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 का डेप्थ सेंसिंग और 16 का सेल्फी मिल जाएगा। जो प्राइमरी कैमरा है वहाँ पर OIS आपको मिल जाएगा, सारे के सारे सेंसर्स ओमनी विजन के सेंसर्स हैं।
आप प्राइमरी कैमरा से 4K 30fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर लोगे, सेल्फी से 1080p में। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको MediaTek का नया मिड रेंज फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलेगा, MediaTek Dimensity 8300। आप चाहो तो उसके आगे अल्ट्रा लगा सकते हो, क्योंकि ब्रांडिंग के लिए Xiaomi और Poco, Redmi ये सब यूज़ करते रहते हैं। खैर, ये जो प्रोसेसर है 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। माली G615 MC6 का GPU मिल जाएगा। ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 से भी बेहतर है। अब इन टर्म्स ऑफ स्कोर्स और ऑन पेपर स्पेक्स को देखकर तो यही लग रहा है, लेकिन ये जो प्रोसेसर है काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, 8 Plus Gen 1 तक का परफॉर्मेंस दे देता है। हाँ यार, इसका इतना है, हाँ इसके अंदर इतना दम है, ये काफ़ी बवाल प्रोसेसर है। मेन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, UFS 4.0 का स्टोरेज सपोर्ट, LPDDR5X रैम टाइप, 5500 mAh बैटरी भी है, 90W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है और चार्जर बॉक्स में रहेगा। एंड्रॉयड 14 मिलेगा अगर किस्मत अच्छी रही तो, और हाइपर OS मिल गया आप तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पोको डाउनग्रेड करेगा एंड्रॉयड 13 विथ MIUI 14 के साथ दे देगा इस फोन को। और यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी आपको मिल जाएंगे, डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड होंगे, NFC भी होगा, Wi-Fi 6 देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 देखने को मिलेगा, IR ब्लास्टर भी होगा, एक बहुत अच्छा VC लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी होगा, एक बहुत अच्छा X-axis लाइनर मोटर भी होगा। डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो पोको X6 नियो 7.73 mm की थिकनेस पे होगा, 175 grams उसका वेट होगा। जो पोको X6 होगा वो 7.98 mm की थिकनेस पे होगा, 187 grams उसका वेट होगा। इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको IP54 का रेटिंग मिल जाएगा, लेकिन पोको X6 प्रो की बात की जाए तो वो 8.05 mm की थिकनेस पे होगा, 198 grams उसका वेट होगा और उसमें कोई भी IP रेटिंग देखने को नहीं मिलेगा। तीनों स्मार्टफोन्स आपको ग्लास बैक देंगे, तीनों स्मार्टफोन्स में आपको प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलेगा और 3.5 mm जैक तो होगा ही होगा। खैर, अब बात करते हैं इंडियन प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में, ये तीनों स्मार्टफोन्स कब तक इंडिया में लॉन्च होंगे, इनका क्या प्राइस होगा और ये कौन से Redmi के फोन्स के रीब्रांडेड वर्जन है। देखो मेरे भाई, चाइना में जब Redmi Note 13 लॉन्च हुआ था तो Redmi ने उसको वापस से एक और बार नए नाम के साथ लॉन्च किया था, जिसका नाम था Redmi Note 13 R Pro। वो फोन इंडिया में पोको X6 Neo के नाम से लॉन्च हो जाएगा, इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को भी क्लियर कर चुका है। पोको X6 की बात की जाए, जो चाइना में Redmi Note 13 Pro लॉन्च हुआ है ना, वो इंडिया में पोको X6 के नाम से लॉन्च हो जाएगा। देख लो, ये भी इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है। और रहा सवाल पोको X6 Pro का, कल परसों जो Redmi K70e लॉन्च हुआ है चाइना में, वो इंडिया में पोको X6 Pro के नाम से लॉन्च हो जाएगा, ये भी इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है। अब रहा सवाल कि ये तीनों स्मार्टफोन्स इंडिया में कब लॉन्च होंगे, किस प्राइस पे लॉन्च होंगे, तो पोको X6 Neo आपको दिखाई देगा 17,000 रुपये के आसपास, 17,000 रुपीज़ के आसपास। पोको X6 आपको दिखाई देगा 25,000 रुपीज़ के आसपास, 25,000 रुपये के आसपास। पोको X6 Pro आपको दिखाई देगा 32,000 रुपीज़ के आसपास, 32,000 रुपये के आसपास। ये तीनों स्मार्टफोन्स आपको जनवरी में इंडिया में लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे, इनका ग्लोबल लॉन्च भी होगा। एज ऑफ नाउ मुझे यही प्राइस रेंज और लॉन्च टाइमलाइन पता चला है, कुछ और अगर फर्दर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आते हैं मैं तो आपको टेक न्यूज़ में बताता ही रहूँगा। और जिन भाइयों का सवाल है कि सुफियान भाई पोको F6 सीरीज़ का क्या, उनके बारे में तो कुछ बताओ, तो मैं मंडे को टेक न्यूज़ में कवर कर लूँगा। मेरा मकसद यही था कि मैं आपके कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर सकूँ, ताकि आप पोको X6 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स के बारे में सब कुछ अच्छे से जान लो, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, क्योंकि यार बहुत सारा कन्फ्यूजन है ना, बहुत सारे क्रिएटर्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं, वो खुद कन्फ्यूज़ हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप कन्फ्यूज हो, आप अच्छे से अपना डिसीजन बनाओ, आपको क्लियर और सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, हो सके तो शेयर भी कर देना। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।